वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, और आज किचन क्वीन के साथ एक और शानदार पाकिस्तानी मौजूद है। हमारे साथ है किरण नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? बिल्कुल खैरियत। किरण की कंपनी का नाम है किरण, सीईओ है द फूड स्टीम की, और फूड एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनर है एट द ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। खैर, एनीवे, अच्छा आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। जी प्लीज रेसिपी बताइए। अच्छा, रेसिपी में हमारे पास बॉयल्ड एग्स हैं, ठीक है, उसको हार्ड बॉयल करना है। ये एक स्पेशल टेक्निक है नरगिसी कोफ्तों का, क्योंकि अगर थोड़े से भी अंदर से सॉफ्ट रह गए तो फिर वो लुक नहीं आएगी जो हमें इसको देना है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास गरम मसाला पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास, और इसमें स्पेशल है चना पाउडर जो कि इसको कम्बाइन करेगा और इसे बाइंडिंग में हेल्प करेगा। सॉल्ट एंड पेपर है, और आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है चिकन के कीमे में। चिकन के कीमे में डालने के बाद आपने इसको मतलब ब्लेंड कर देना है अच्छे से, ठीक है। फिर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे और फिर इसकी ग्रेवी अलग से बनेगी। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे जो नरगिसी कोफ्ते में डालने थे, बाकी ग्रेवी के अंदर वही हमारा जो पाकिस्तानी बेसिक होता है, हमें प्याज फ्राई करने हैं और उसके अंदर आपका गर्म मसाला, हरा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा आपका सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो पेस्ट, और इसमें थोड़ी ग्रेवी को अच्छा सा गाढ़ापन देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट भी यूज़ करेंगे। अच्छा, बस अब मैं प्लेट डेकोरेशन के ऊपर ही हूँ, इंशाल्लाह इस पर अभी चीज़ें लगाते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरीके से इसको जो है वो मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। और एक ही प्लेट के अंदर आपकी रोटी, आपका सैलेड यानी प्रोटीन, कार्ब्स और आपके जितने वाइटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से सर्व होते हैं। एक परफेक्ट मील की प्लेट है वो, इंशाल्लाह। जी किरण, आप प्लीज जल्दी से रेसिपी बता दीजिए। नरगिसी कोफ्ते के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कीमे के अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे, जिनमें से खशखाश, आपका धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और चने का आटा हमने मिक्स किया था। जल्दी से वो मिक्स करने के बाद हमने उसकी कोटिंग की थी बॉयल्ड एग्स जो ऑलरेडी हार्ड बॉयल्ड थे, और उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनाई थी जिसमें हमने प्याज जो है वो सॉटे किए, उसके बाद उसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद टोमेटो प्यूरी एंड योगर्ट डाल के उसके अच्छे से भुनाई की, और उसमें वही पाकिस्तानी स्पाइसेस जो हमारे होते हैं हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया और ज़ीरा पाउडर, और उसको कुक करके फिर हमने उसे प्रेजेंट किया है प्लेटर में। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ मुनीजा, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वीकेंड आ रहा है, नैपा के अंदर चल रहा है ज़िया मोहीउद्दीन फेस्टिवल, ज़रूर जाइएगा, इट्स फ्री फॉर ऑल है। ऑफकोर्स हमें अपने कल्चर को प्रमोट करते रहना चाहिए। मंडे को फिर इंशाल्लाह आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड, खुदा हाफिज़।